दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट का या फिर एक वीडियो का या फिर यूट्यूब पे एक वीडियो का कितना चार्ज करना है, किससे चार्ज करना है, ब्रांड से क्यों चार्ज करना है, बिकॉज ब्रांड आपके पास आएगा बोलेगा कि ये हमारा प्रोडक्ट है इसका प्रमोट कर दो। तो जो ब्रांड है ब्रांड को आपको मिनिमम क्या कोट करना है, मैक्सिमम क्या कोट करना है जिससे कि आपकी अर्निंग मैक्सिमम हो सके, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम पे 43,000 ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और पिछले कुछ सालों में मैंने 20-25 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है जिसमें मीवी, रियल मी, आई क्यू ओ, डैनियल वेलिंगटन, जॉनी वॉकर जैसे लीडिंग ब्रांड्स हैं। तो दोस्तों इतने टाइम ब्रांड्स के साथ काम करके और अर्निंग भी अच्छी खासी हुई है, इतने टाइम के बाद जब मैं मार्केट कंडीशन देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोगों का कितना कट रहा है, कितनी बुरी तरह कट रहा है। तो मैं इस वीडियो को इसी पर्पज़ से बनाने वाला हूं कि ताकि आप लोग एजुकेट हो सको, आप लोगों को पता लग सके कि एक पोस्ट का कितना चार्ज करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं चार चीज़ें बताऊंगा आपको, इंस्टाग्राम पे एक फोटो वाले पोस्ट का कितना चार्ज करना है, वीडियो वाले पोस्ट का कितना चार्ज करना है, अगर आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर पे आपको पर वीडियो कितना चार्ज करना है, और चौथी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट से जो आपकी कमाई होती है वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट की रीच कितनी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लास्ट 5 पोस्ट देखो, उनकी रीच देखो, उनकी रीच में से हैशटैग की रीच माइनस कर दो। माइनस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हैशटैग कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, तो हैशटैग की रीच रिलायबल नहीं होती, तो आपको हैशटैग की रीच माइनस कर देनी है। जो रीच आपकी बची हैशटैग की रीच माइनस करने के बाद, उसको आपको 50 पैसे से इंटू कर देना है। अब दोस्तों 50 पैसे क्यों करने हैं, 50 पैसे का लॉजिक समझने के लिए आपको ब्रांड के पर्सपेक्टिव से चीज़ देखनी पड़ेगी। मान लो आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप खुद एक ब्रांड हो, आपको उसको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, तो अगर आप उसके ऐड गूगल पर डलवाते हो तो गूगल पर ऐड डलवाने के लिए आपको 50 पैसे देना पड़ता है पर व्यू का, अराउंड। तो जब ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे क्यों आते हैं, ब्रांड इसलिए आते हैं ताकि उनको गूगल से सस्ता पड़े। वो गूगल के पास भी जा सकते हैं और गूगल से सस्ता पड़े या किफ़ायती पड़े तो वो हमारे पास आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पास। तो ये जो गूगल वाला रेट है, गूगल वाले रेट से आपको ज़्यादा चार्ज करने हैं। क्यों? क्योंकि गूगल पे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, गूगल आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो गूगल पे आप कोई चीज़ देखते हो तो शायद आप ना खरीदो, लेकिन अगर आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर बोले तो हो सकता है आप वो चीज़ खरीदो, बिकॉज आप इन्फ्लुएंसर से कनेक्टेड होते हो, इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो 50 पैसा है, ये 50 पैसा इंटू आपकी पोस्ट की रीच, और उस पोस्ट की रीच में हैशटैग की रीच नहीं होगी, तो पोस्ट की आपकी एक पोस्ट की जो भी रीच है उसको 50 पैसे से इंटू कर दोगे तो जो अमाउंट आता है वो आपको मिनिमम चार्ज करना है। ध्यान देना दोस्तों, ये मिनिमम है। फॉर एग्जांपल आपके मान लो 5,000 फॉलोअर हैं और आपकी हर पोस्ट की रीच 2,000 आती है, तो आपको 2,000 इंटू 50 पैसे, आपको 1,000 रुपये तो मिनिमम चार्ज करना ही करना है। लेकिन क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो और ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको 1 रुपये से स्टार्ट करना है, मतलब कि आपका हर पोस्ट की रीच 2,000 अगर लोग हैं तो आपको 2,000 रुपये उसको कोट करना है, आपको 2,000 रुपये कोट करना है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वो 2,000 रुपये सिर्फ प्रमोशन चार्जेस हैं। सिर्फ प्रमोशन मतलब कि आपने पोस्ट वो क्रिएट नहीं किया, आपको चीज़ें कंपनी ने दे दी, आपने वो खाली उनको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला, उसके चार्जेस 2,000 हैं। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए वो कंपनी बोलती है कि भाई आप कंटेंट क्रिएट करो, तो कंटेंट क्रिएट करने के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है शूटिंग, एक होता है एडिटिंग। तो शूटिंग चार्जेस प्लस एडिटिंग चार्जेस, शूटिंग में आप बंदे रखोगे, इक्विपमेंट रखोगे, आपके कैमरा लगेंगे, लाइट्स लगेंगे, उन सब के चार्जेस वगैरह मिला के मिनिमम जो आपको चार्ज करना है वो 2 रुपये पर रीच का चार्ज करना है। अगर आपकी 2,000 रीच है तो आप ब्रांड को बोलो मेरी 2,000 रीच है, हर पोस्ट के मेरे पास 2,000 रीच है, आप मुझे 4,000 रुपये दो पर पोस्ट। अगर आपको मेरे से शूट भी करवाना है, तो अगर आपको ये चीज़ है कि आप सिर्फ पोस्ट कर दो तो फिर मैं सिर्फ 2,000 लूँगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे YouTube की पहली पेमेंट आ चुकी है और एक गिव अवे भी चल रहा है इस चैनल पे 31 मार्च तक। ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक है, आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। दोस्तों इस गिव अवे में मैं दे रहा हूँ 5 रिंग लाइट्स जो कि आपकी वीडियो क्रिएशन में बहुत हेल्प करेगी, बोथ ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, तो आप डेफिनेटली चेक करना इसे। अब दोस्तों आते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे। इंस्टाग्राम स्टोरी का भी सेम सिस्टम है। इंस्टाग्राम स्टोरी में आप क्या करोगे, अगर आपको कॉन्टेंट जनरली नहीं क्रिएट करना होता, वो आपको ब्रांड कोई पोस्टर देगा, पोस्टर देके बोलेगा कि आप इसको अपनी स्टोरी में डाल दो, हमारी हमको टैग कर दो, या अगर आपका स्वाइप अप का लिंक है तो आप स्वाइप अप का इसमें लिंक ऐड कर दो। तो स्टोरी का सेम होता है, अगर आपके स्टोरी को 1,000 लोग देखते हैं तो आपको 1,000 लोग इंटू मिनिमम 50 पैसे, मतलब 500 रुपये तो आपको मिनिमम चार्ज करने ही हैं, और मैक्सिमम जो आप चार्ज कर सकते हो वो 1 रुपये से 1.5 रुपये भी आपको चार्ज कर सकते हो, मतलब 1,000-1.5 हज़ार रुपये आप इजीली ले सकते हो अगर आपके स्टोरी को 1,000 है तो। दोस्तों बस हर पॉइंट पे याद रखना कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास वो चीज़ है जो कि गूगल के पास नहीं है, आपके पास है ऑडियंस का कनेक्शन।
तो इसीलिए आपको वो 50 पैसे वाला जो है वो मिनिमम कोड करना है और 1 रुपए वाला जो है मैक्सिमम कोड करना है, उससे ज्यादा भी आप कोड कर सकते हो, बट इनटू 50 पैसे वाला जो रेट है वो बेयर मिनिमम है, उससे नीचे तो आपको काम ही नहीं करना। अब दोस्तों आते हैं वीडियो पोस्ट पे, तो वीडियो पोस्ट का दोस्तों जो पेमेंट होती है वो व्यूज के हिसाब से होती है। तो कितने व्यूज हैं आपको, मतलब वीडियो में आपको मिनिमम क्या चार्ज करना है, पोस्ट से मिनिमम तो आपको चार्ज ही नहीं करना, मतलब कि जो भी आपकी रीच है उस रीच को 50 पैसे से इंटू कर दो, वो जो अमाउंट आता है उससे नीचे आपको चार्ज नहीं करना। और अगर आपका कंटेंट क्रिएशन है तो कंटेंट क्रिएशन ही कम से कम आपका 2 रुपए पर रीच के हिसाब से आपका पड़ेगा। ये मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऑडियंस की बात करनी है, 10K फॉलोअर्स वाला भी हो सकता है वीडियो देख रहा हो, 5K फॉलोअर्स वाला भी हो सकता है, 40K फॉलोअर्स वाला भी हो सकता है, 100K वाला भी हो सकता है। तो आपकी जितनी रीच आ रही है उस रीच का इंटू 2 कर लो, इंटू 3 कर लो, इंटू 1.5 कर लो, जैसा आपका इक्विपमेंट और मैन पावर वगैरह यूटिलाइज हो रही है उस वीडियो को क्रिएट करने में। लेकिन ये बात याद रखना कि वीडियो का क्रिएशन प्लस पोस्टिंग जो चार्ज है वो एक फोटो के क्रिएशन और पोस्टिंग के चार्जेस से हमेशा ज्यादा रहेगा। अब दोस्तों बहुत लोग कैरोसेल पोस्ट का पूछेंगे, तो कैरोसेल पोस्ट का जो भी आपका सिंगल पोस्ट का चार्ज है उसको अगर आपको 5 स्लाइड्स डालनी है ऐसी, उसको इंटू 5 कर देना, फिर उस प्राइस को थोड़ा कम कर देना, तो फिर ब्रांड को भी एक अच्छी डील मिल जाएगी, आपको डील मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों मैंने जो आपको चार्ज बताई, ये चार्ज आपको मिनिमम मिलने चाहिए, तो कई बार आपको मिलते भी हैं, कई बार नहीं भी मिलते। क्यों नहीं मिलते? बिकॉज बाकी लोगों को अपनी वैल्यू नहीं पता। बाकी लोगों को वैल्यू कैसे पता लगेगी? ये चीज़ आपके हाथ में है। मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि कैसे काम करता है, मार्केट का रेट क्या है, अब आपके ऊपर है ये वीडियो आप कितने दोस्तों को अपने बताते। सेम कोलैबोरेशन का मैंने देखा है कि एक पर्सन 5000 में भी कर रहा है और एक दूसरा पर्सन 500 में भी कर रहा है, दोनों का फॉलोअर अकाउंट सेम है। अपने दोस्तों को बताना इस बारे में, जो भी आपके दोस्त लोग ग्रुप वगैरह है उनमें बताना कि ऐसा ऐसा चीज़ है भाई, यही मार्केट रेट है, और सब लोग अगर एक रेट पे आएंगे तभी तो काम होगा। तो कई बार आपको मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता है, लेकिन कोलैबोरेशन क्या है, एक सब्जी मार्केट की तरह है कि जो आपके पास पर्सन आएगा वो पर्सन आपको बोलेगा कि भाई ऐसा है, आप बोलोगे नहीं ऐसा है, तो आपको उसको बेसिकली कन्विंस करना है कि मैं क्यों इतना चार्ज ले रहा हूँ, कि भाई देख मेरे को शूट भी करना है, मेरे को एडिट भी करना है, मेरे को पोस्टिंग भी चाहिए, और इतना सारा काम तुम इतने में कराओगे तो कैसे होगा। अगर आप गूगल पे भी खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट करोगे तो गूगल आपसे 50 पैसे ले लेगा। जैसे आपको ये बात उसे बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई ये बंदा है, इसको पता है, इसको मार्केट का पता है। अब दोस्तों आते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब का कोलैबोरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। यूट्यूब में आपको अपनी लास्ट 5 वीडियोज देखनी है। YouTube पे कभी भी सब्सक्राइबर्स से आपको पैसे नहीं मिलते, YouTube पे आपको पैसे मिलते हैं एवरेज व्यूज से। एवरेज व्यूज मतलब कि लास्ट के 5 वीडियोस का व्यूज आपका कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आपको कोट करना होता है। तो इसका जो इंटीग्रेटेड का सिस्टम है, इंटीग्रेटेड मतलब कि 30 सेकंड की वीडियो जो भी आपको उसमें इंसर्ट करनी है आपकी एक वीडियो में, तो 30 सेकंड की वीडियो का आप इजिली चार्ज कर सकते हो अपने वीडियो के व्यूज इंटू 1 रुपए। तो आपके एवरेज व्यूज है लास्ट के 5-6 वीडियोज का जो भी एवरेज व्यू काउंट आ रहा है, उस व्यू काउंट को आपको 1 रुपए से इंटू कर दो, वो आपको YouTube के लिए कोट करना है। अगर आप मेरी तरह वीडियोस बना रहे हो जो कि टॉकिंग वीडियोस हैं, क्योंकि इनके लिए कंटेंट क्रिएशन इजी है, कैमरे में आपको बोलना है, अगर आपको कुछ बी रोल क्रिएट करना है या फिर आपको कुछ प्रोफेशनली सिनेमाटोग्राफी वाली वीडियोस चाहिए तो उनका बहुत हाई चार्जेस होते हैं, उनमें 1-1 मिनट के चार्जेस 1-1 लाख रुपए तक भी पहुंच जाते हैं अगर आप कमर्शियल वीडियोस पे जाओगे तो। लेकिन अगर आपको ऐसे टॉकिंग वाली वीडियोस हैं आपकी यूट्यूब पे और अगर आपको इसमें कुछ 30 सेकंड का एलिमेंट डालना है, तो आपको हर व्यू का आप 1 रुपए कोट कर सकते हो ब्रांड को। ब्रांड हो सकता है ना माने, लेकिन आपका काम है ब्रांड को समझाना, क्योंकि आप मैंने बताया कि कोलैबोरेशन की मार्केट सब्जी मार्केट के बराबर है, तो यही बात है। दोस्तों जो कोलैबोरेशन है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप चाहते हो इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँ जिसमें आपको कोलैबोरेशन का A to Z समझाऊँ, प्लस आपको कोलैबोरेशन कैसे मिलेंगे ऐसे स्मॉल क्रिएटर वो बताऊँ, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करना, कमेंट में बताना है, बिकॉज इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। पार्ट 1 में ये था, हो सकता है कि आपकी हेल्प हुई हो, अगर हेल्प हुई है तो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताना, वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, और मुझे भी बताना अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो भी मुझे बता देना, ताकि मैं उन पॉइंट्स को पकड़ के एक वीडियो बना सकूं, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो सके, आपकी भी अर्निंग हो सके, आप मैक्सिमम चीज़ें कमा सको यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से।